हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो देखिए, सुबह सुबह बारिश का मौसम है और रात करीब 3:30 बजे से बारिश हो रही है। काफ़ी तेज़ बारिश हुई है, बहुत तेज़ बारिश हुई है। मौसम देख सकते हैं, बहुत अच्छा मौसम है। इस मौसम में तो सिर्फ नींद आएगी सुबह सुबह भी। और अभी बज रहे हैं 7। बेटा भी जस्ट तुरंत निकला है, एक मिनट हुए होंगे, 1-2 मिनट हुए हैं। स्कूल के लिए गया है। बादल भी हल्के हल्के गरज रहे हैं। तो यहाँ पे मैं भुजिया बनाई थी, अभी लाइट कम है। यहाँ पे मैं भुजिया बनाई थी और रोटी बना करके दे दी थी उसे मैं। अब हस्बैंड आएंगे तो चाय वगैरह बनाएंगे। यहाँ पे खुंदरू की भुजिया बन चुकी है। तो यहाँ पे आ गई मेरी पनीर सैंडविच और मैंगो शेक। तो नाश्ता कर लेती हूँ। नहाना वगैरह सब कुछ हो चुका है और झाड़ू पोछा भी हो चुका है। तो अभी छत पर जो कपड़े रात को पसा रही थी उतार करके लाई हूँ। हस्बैंड भी काम पे निकल गए हैं, वो भी पनीर सैंडविच और शेक पी के निकले हैं। और उनको लंच में दी थी कुंदरू का भुजिया और रोटी, और क्या दी थी, जामुन दी थी मैं फ्रूट्स में। तो वहाँ सामने देख सकते हैं कि कपड़ों का ढेर है। छत पर से लाई उसे मैं मुझे फोल्ड करके रखने हैं। और इस बोरी में है राशन, इसे भी मैं सेट करूँगी, देखती हूँ कब करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो यहाँ मैं बैठी हूँ नाश्ता करने के लिए। तो मैं दिखाई हूँ कि क्या क्या नाश्ता में मैं अभी कर रही हूँ। और हस्बैंड अभी निकले हैं काम पर, 5-7 मिनट हुए हैं निकले हुए। नाश्ता करूंगी, नाश्ता करने के बाद 2-4 बर्तन है वो धो लूँगी, फिर कपड़ों को फोल्ड करूंगी, थोड़ा रेस्ट करूंगी। दैन मैं या तो एडिटिंग करूंगी या तो राशन थोड़े बहुत कुछ यूटेंसिल्स वगैरह धुली थी, जो छोलनी वगैरह होती है ना ऊपर में रखी हुई, एक कवर्ड को मैं क्लीन की थी। कुछ चीज़ें ज़्यादा निकल गए, स्पून वगैरह, उनको हटा के मैं रख दूँगी अंदर और बाकी चीज़ों को ड्रॉर में रखूँगी। तो चलिए पहले करती हूँ मैं नाश्ता, क्योंकि भूख लग गई है। और अभी बज रहे हैं 10:30। अभी भी सुबह में बारिश बहुत हुई है, यहाँ पे पाउडर लगी है, इस वजह से इससे दिख रही है। चलिए पहले मैं कर लेती हूँ नाश्ता। तो यहाँ दालों को मैं डब्बों में डाल लेती हूँ, दोनों में। एक है मूंग दाल और ये है अरहर दाल धुली हुई। तो पैकेट जब भी काटे ना, इसे कट करके अलग ना करें, इसी में रखिए, क्योंकि जब रिसाइकिल होती है ये प्लास्टिक, तो ये टुकड़े कूड़े में दब जाते हैं और फिर मिलते नहीं हैं। तो ये प्लास्टिक की जो कटिंग की हूँ मैं, ये इसी में लगे रहने दें, ताकि जो कूड़ा वाला बिन के जैसे चुन के ले आते हैं ना, तो साबुत प्लास्टिक कूड़े में से निकल जाए। तो ये आपके एनवायरनमेंट को बचाने में आपके एनवायरनमेंट को बचाने में काफ़ी मदद करती है। अभी दाल को मैं सोख करके रख दूंगी और 2 बजे दाल में सीटियाँ लगा दूंगी और उसका चावल चढ़ा दूंगी। और अभी जो कुंदरू की भुजिया और सुबह नाश्ते में आलू की भुजिया बनाई थी वो बची हुई है, आम काट लूँगी तो मेरा और बेटा का लंच हो जाएगा। तो पहले दाल निकाल लेती हूँ इसमें। तो ये वो है ना सर्फ एक्सल की जो लिक्विड वाली वॉशिंग मशीन में जो लिक्विड डालते हैं उसकी एक कैप है। इससे 1.5 टेबल स्पून अरहर की दाल डाली हूँ और 1.25 कप जो है वो मूंग दाल डाली हूँ। तो मेरा और बेटा का इतने में हो जाएगा। चलिए फटाफट से दालों को मैं भून लूँगी। यहाँ पे दाल को मैं धुल ली हूँ। इसमें ऐड कर दूँगी नमक, साथ ही यहाँ पर ऐड करूँगी हल्दी। तो इसमें मैं दाल डाल के रख दी हूँ, सोख होगी तो 1 सीटी में बन जाएगी आराम से। ये है कुंदरू की भुजिया सुबह की और इसमें आलू की भुजिया, तो सब्जी वगैरह बनाने नहीं होंगे। तो मैं स्टोर की बात कर रही थी कि इसे क्लीन की थी और साथ ही नीचे वाली जो है इसे भी मैं अच्छे से साफ़ कर दी हूँ। तो इनमें से कुछ चीज़ों को मुझे हटाना है जो कि अभी यूज़ में नहीं है, जो पहले मैं सेट कर लेती हूँ कि क्या रखने हैं और क्या नहीं रखने हैं। तो इन चीज़ों में जैसे ये पूड़ी तलने के काम आती है और ये भी पूड़ी तलने के काम आती है और ये जैसे वो बोलते हैं ना कड़ी वगैरह, उसमें तड़का लगाने के लिए काफ़ी अच्छी बड़ी सी करछी है। और ये तो पकड़ करछी जो भी बोल सकते हैं इसे, वो है। और इसमें प्याज स्लाइस बहुत अच्छी होती है और इसकी सैलेड सॉरी प्याज की सैलेड बहुत अच्छी होती है घिस करके जो बनती है। और ये है लेमन स्क्वीज़र और ये है कद्दूकस या अदरक घिसने वाला भी आप कह सकते हैं। और ये है एग बीटर। और ये 3 कलछुल कह सकते हैं। तो ये है चटनी वगैरह जो टमाटर की होती है निकालने के काम, ये वाली चावल निकालने के लिए, ये भी चावल निकालने में या फिर सब्ज़ी वगैरह निकालने में ये छोटी छोटी सी अच्छी रहती है। और ये डोसा वगैरह के लिए बिल्कुल धारदार जो छोलनी कहते हैं ना हम लोग के यहाँ, पलटा भी कहते हैं इसे। तो ये 2 में बाहर रखी और एक बड़ी सी है वो भी बाहर रखी है, धुलने में रखी है। ये स्पैचुला जैसे नॉन स्टिक बर्तन यूज़ करते हैं तो उसमें ये यूज़ आती है। ये पराठे बनाने में, रोटी को फुलाने में, सेकने में काम आती है। कपड़ा वगैरह जो है ना थोड़ा सा स्मेल आ जाता है इसमें, इस वजह से। ये वुडन की स्पून है। ये दलगुटनी आप देखे थे कि हाल फिलहाल ही मैं कुछ लास्ट वीक ही शायद लेकर आई थी। ये कलछुल तड़का लगाने के लिए है और ये रायता वगैरह सर्व करने के लिए है। और ये 2 चाय की छन्नी मैं रखी हूँ, कभी एक गंदी रहती है तो एक मिल जाती है साफ़ करने के लिए। और बाकी ये नाइफ़ यहाँ पे रहेगी, ये वाली भी क्लीन करूँगी अभी नहीं। और इन सबको भी वॉश करना है अच्छे से। तो ये चीज़ें मैं हटाई हूँ। ये वुडन की नई स्पैचुला है, ये रख दूँगी। ये एक छोलनी अभी यूज़ में नहीं आ रही थी तो इसे भी अंदर डालूँगी और ये भी रखूँगी। इसमें से एक मैं रखूँगी जिससे कि क्या ना जार से मसाला निकालने में काफ़ी ईजी रहता है। और ये चावल वाले स्पून है, ये तो मैं यूज़ करूँगी, इसे डाल देती हूँ। और ये भी अभी अंदर रख दूँगी और इसे भी अंदर रखूँगी, ये तो यूज़ कर लेंगे। तो ये कुछ हमारा अच्छे से क्लीन हो चुका है। अभी इतना काम करने का, अभी 11 बज रहे हैं और रात के धुले हुए कपड़े इनको मैं अब समेट लेती हूँ रूम में ले जा कर के। चलिए इन कपड़ों को अब समेटती हूँ और जगह पे लगाती हूँ। और चुटकियों में कैसे ये कपड़े सारे फोल्ड हो जाती हूँ, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं सारे कपड़ों को फोल्ड कर दी हूँ। ये दो पैंट अभी सूखी नहीं अच्छे से, और ये टी शर्ट भी। तो इन सबको मैं अभी बालकनी में तार पे डाल दूँगी और इन सबको जगह पे लगाती हूँ, और इसे भी रखती हूँ हॉल में ताकि छत पर जाऊँ तो इसे रखाऊँ। तो ये जो हमारी नई वाली अलमीरा बनी थी, तो इसमें क्या क्या है कैसे है मैं दिखाती हूँ। ये दो जो ब्राउन कार्टन दिख रहे हैं या कार्टून दिख रहे हैं, ये किन्हीं और की है, और ये बैग भी किसी और की है, कपड़े हैं इसमें। और इस सेक्शन में यहाँ हस्बैंड के हैं यहाँ पे भी, और उधर बेटे के कपड़े हैं। यहाँ मेरी जीन्स वगैरह है, टॉप टी शर्ट है, कुछ नए क्लोथ्स रखे हुए हैं जो कि सूट सिलने के लिए है, 3-4 पीस। ये कुछ दुपट्टा और सूट वगैरह है। इस लाइन में सारी कुर्तीज़ वगैरह, इसमें पजामी वगैरह है। ये रेड सी जो दिख रही है ऊपर से नीचे, तो इस तरह से कुछ कपड़े। और उस कॉर्नर में भी एक रो है यहाँ पे, तो इसमें कुछ वेस्टर्न ड्रेस है, कुछ शॉर्ट ड्रेस है। इस तरह से यहाँ पे क्रॉकरी वगैरह है, और कुछ डिफ्यूज़र, लाइट डिफ्यूज़र जो होते हैं ना डेकोरेट करने के लिए लाइट वगैरह, वो है। यहाँ पे 2 ब्लैंकेट रखे हुए हैं। हमारे ब्लैंकेट अभी चल जाएंगे बेड में, जब बेड साफ होगी, क्लीन होगी। नीचे एसी के जो वो होते हैं ना, इसको क्या कहते हैं, कुछ तो कहते हैं, नाम अभी याद नहीं आ रही। और ट्राइपॉड है यहाँ पे मेरी, ये रिंग लाइट है, ये ब्लू वाली। ये सेल्फ है जो कि लगाने हैं। ये मेरी इंस्टा एक ट्राइपॉड है जिससे हम लोग शूट करते हैं, वो है। और नीचे में एयर का वो एयर फ्रेशनर है, रूम फ्रेशनर। तो इस तरह से हमारी नई वाली जो अलमीरा है रखी हुई है। तो अभी हो गया है 11:30, 11:25 हो रहे हैं। कपड़े वगैरह सब कुछ रख चुकी हूँ मैं अंदर, जगह पे सब कुछ लगा चुकी है, सारे काम हो चुके हैं। तो अब मैं लेटूंगी क्योंकि मुझे आ रही थोड़ी सी नींद। आँख से भी आपको लग रहा होगा कि नींद आ रही है। थोड़ी देर सोऊंगी, आधा 1 घंटा, उसके बाद उठ करके एडिटिंग करूँगी। फिर 2 बजे मैं दाल और चावल बनाऊँगी। दिखाई थी कि मैं चावल दाल को सूख कर चुकी हूँ। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में, थोड़ा रेस्ट करके। दाल चावल, आलू की भुजिया, कुंदरू की भुजिया, और ये है प्याज। चलिए कर लेते हैं लंच। अभी यहाँ पे बन रही है डिनर। तो डिनर में मैं बनाई थी पनीर की भुजिया और रोटी। तो रेसिपी मैं पनीर की शेयर नहीं की हूँ, तो मैं बता देती हूँ कि मैं पनीर की भुजी कैसी बनाई थी। 2 प्याज को मैं चॉप कर ली थी, हरी मिर्च को चॉप कर ली थी, मस्टर्ड ऑयल डाली थी कढ़ाई में, उसमें साबुत जीरा डाली थी, प्याज डाल करके, हरी मिर्च डाल करके हल्का ब्राउन कर ली थी। हल्का ब्राउन करने के बाद इसमें थोड़े बहुत जो मसाले होते हैं, धनिया ज़ीरा पाउडर, हल्दी, नमक डाल करके इसे अच्छा सा पकाई थी। पकाने के बाद उसमें पनीर ऐड कर दी थी, नमक भी ऐड कर दी थी, और अच्छा सा मैं यहाँ पर भून रही हूँ। यहाँ पर हरी धनिया भी ऐड कर दी हूँ क्योंकि पनीर की भुर्जी में धनिया का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। और आटा भी साथ के साथ मैं निकाल ली हूँ और उसे भी मैं साथ साथ गूंद रही हूँ, और जो भुर्जी है पनीर की वो भी बन रही है। तो फटाफट से जो हमारी पनीर की भुर्जी है 5 से 6 मिनट में बन जाती है अगर आप प्याज वगैरह काटते हैं तो। तो ये भुर्जी यहाँ पर बन करके रेडी है। हस्बैंड और बेटा खा चुके हैं। यहाँ पर मेरी डिनर निकल चुकी है। तो ये थी पनीर की भुर्जी और रोटी। तो सभी काम हो चुके हैं रात के, और डिनर वगैरह भी कर ली हूँ मैं, हस्बैंड भी कर लिया, बेटा भी कर लिया। लोग हॉल में कुछ कर रहे हैं, अभी आएंगे। और मैं वीडियो वगैरह तो आज की अपलोड कर दी हूँ। तो कैसी लगी वीडियो, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी मैं फेस धो करके आई हूँ, इस वजह से इस तरह से पानी पानी लग रही है। एंड फ्रेंड्स एंड फैमिली से शेयर जरूर कीजिएगा। जो नए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।